हे गाइस गुड मॉर्निंग यार्स। तो एक बात बताओ, जैसा कि आप लोग मतलब बहुत लोग हैं जो मुझसे मिलने के लिए हाईवे पे खड़े थे जब मैं राइड पे था, उसी तरह मैं भी किसी से मिलने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। देखते हैं मिल पाते कि नहीं। वैसे तो मुझे एक अच्छा फोन और एक अच्छा पावर बैंक चाहिए यार, मैं थक चुका हूँ, बहुत बंद हो जाता है, इसका बैटरी बैकअप खराब होता है, फोन बहुत हैंग होता है, एक ही बार पावर बैंक पावर चार्ज करता है। आज मुझे भी मालूम पड़ गया कि जो लोग हमसे मिलने के लिए हाईवे पे जिस तरह वेट करते थे और समझो नहीं कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहे, बंदा किधर है, इसी रास्ते से आएगा कि नहीं आएगा, जो अंदर बेचैनी होती है ना, सेम वैसा मेरे साथ भी अभी हुआ। लेकिन हम आ रहा मतलब हम मिल लिए, बोल नहीं पा रहे, तो यहाँ मिलिए हमारे एंडी व्लॉगर से। और जो भी है अभी आप देख रहे हो बाइक ड्यूक 200 खड़ी है और बाइक 250 उधर खड़ी है। तो अभी हम निकले हुए हैं मुंबई टू अहमदाबाद के लिए राइड के लिए, और भाई भी जाने वाले थे बट कुछ वर्क की वजह से नहीं जा, काम के वजह से हो गया, सही करेंगे आगे, बहुत प्लान है, अभी तो लंबा है यार कॉन्ट्रैक्ट ये है। सो भाई सेफ राइड हो जाए आपके लिए और एकदम। और मैं कुछ भाई के लिए बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा हूँ लेकिन भाई मुझे सबसे जेन्युइन लगते हैं, और पूछो चाहे मैं हमेशा इनको मैसेज करके बोलता रहता हूँ कि गुड वर्क गोइंग, हमेशा बहुत जेन्युइन बंदे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। सचो मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप लोग के जो क्रिएटर हैं वो बहुत सच्चे हैं, जो बोलते हैं सच्चे दिल से बोलते हैं, फेक कुछ भी नहीं रहता, मुझे सबसे खास बात उनकी यही लगती है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो मेरा जर्नी का देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पूरा 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 भाई का चैनल का लिंक रहेगा, जाइए और पूरा अहमदाबाद का और 4-5 दिन का प्लान है इनका, पूरा देखना और भाई। आगे भी हम जाएंगे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया मतलब उस साइड का, गुजरात साइड का, तो वहाँ से अपना ये पाकिस्तान का बॉर्डर जो है 20 किलोमीटर रह जाता है, दिखता है मतलब, वहाँ जाएंगे। वाओ ये अच्छा है फिर। यस यस बाय बाय बाय, इसी चैनल पे वापस राइड के साथ मिलेंगे भाई, बहुत संडे अपने पास अभी। चलो भाई सेफ राइड एकदम। यस तो भाई नवीन जी जिसे मिल लिया हूँ, अब जा रहा हूँ चैंक के पास, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारे मेल आए हैं, किसी को हैजर चाहिए, किसी को एलईडी लाइट चाहिए। तो हाँ जी, सो अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं सारे मेल चेक करने वाला हूँ, कितने लोगों ने मेल किया और सबका एक लिस्ट बनाऊंगा। बहुत लोगों ने मेल किया है लेकिन मेल में आपने अपना नंबर दिया ही नहीं है, तो कैसे मैं आपसे बात करूँ, प्रॉपर क्या चाहिए मतलब कंफर्म करूँ। फिर मैंने बहुत लोगों का नाम लिख लिया है यहाँ पे, अब नाम लिखने के बाद मैं इनके फ़ोन नंबर का वेट कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर आएगा तो कन्फर्म होएगा, तो पेमेंट की बात होगी, तो जाके आगे बात होगा, तो जाके सामान आएगा। यार थोड़ा फटाफट कर लो। परफेक्ट है, कुछ नहीं, छठ पूजा में जा रहे हैं। कहते ना मतलब जहाँ पहुँचना रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो नाम कंफ्यूज होने की वजह से मैं बेटे गाँव नहीं, मैं पास्टल पहुँच गया जहाँ पे बड़ा काफ़ी मतलब छठ पूजा वहाँ पे हो रहा है, और हमारे यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर लोग मिले। नाम कृष्णा भगत, अजीत गुप्ता, ऋतिक गायकवाड़। अरे इधर थोड़ा मजा आया रहेगा, तो चलो मैं जाता हूँ वहाँ पे, शुरू करेंगे ना भाई। तो देखिए आप किस घर से छठ पूजा मना रहे हैं, शर्मा जी के घर से भी है, तो भाई इनके वर्कशॉप पे जाना और छठ पूजा का प्रसाद जरूर खाना, अगर नहीं खिलाए शर्मा जी आपने नहीं खिलाए तो देख लेना भाई, लोहा लकड़ उठा के लेके भाग जाना। तो अभी एक यहाँ पे सीन शॉट हो गया भाई, सीन शॉट क्या हुआ है, हाँ हाँ, तो मैं जस्ट रहा पे, यहाँ पे रास्ता खाली था, गाड़ी में थोड़ा मीन्स हेलो, अरे पकड़ लिया गाड़ी है पुलिस चौकी में। वहाँ पे सीन क्या हुआ कि रास्ता खाली था, पूरा यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ, रास्ता खाली था और बीच में डिवाइडर भी नहीं है। ओके थोड़ा सा मैं ऐसा गया, साहब बोले गाड़ी साइड में ले, बोलता गाड़ी इतना स्पीड चला रहा है तो ये वो, अब मैं क्या करूँ, धर लिया फिर, अब इंश्योरेंस दिखाना बाकी है, बस इंश्योरेंस मिल नहीं रहा मुझे मेल पे। पूछो मत भाई क्या करें, आए थे पूरा कवर करने के लिए छठ पूजा, लेकिन इतना दूर घूम के आगे कहीं कुछ लफड़ा नहीं हुआ, ये बोईसर में डिवाइडर भी नहीं था, हल्का सा साइड में जाके आया, साफ लगता है साहब का मूड भटकेला था, इसलिए साहब ने मुझे बोला साइड में आ जा और पेपर दे, सब कुछ पेपर दे दिया, सिर्फ इंश्योरेंस का मेल नहीं मिल रहा है मुझे, पर ध्यान दो छठ पूजा कवर करते हैं। ओ वाओ,
सो ये आपको डिस्को लाइट दिख रहा है, ये जब भी GoPro का ऐसा मतलब आगे मॉइस्चर आ जाता है, मतलब अभी ठंडी का टाइम है तो मॉइस्चर आ जाता है तो ऐसा हो जाता है भाई। और बहुत ही विल्ला क्राउड है, मुझे चार लाइट डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, बाकी संदीप तो कवर कर रहा है यहाँ पे, देख रहे ना भाई सब्सक्राइबर हर जगह। और बहुत भीड़ है भाई, यहाँ पे काम चल रहा है जो आप देख रहे हैं आधा आधा, और हमारा बाइक का भी काम हो चुका है, इंश्योरेंस का पेपर मिल गया हमको, यहाँ मिल गया हमारे सब्सक्राइबर भाई से। भाई आपका नाम? सतीश सिंह। सतीश सिंह से हाई फाई हो जाए यार। अरे कैसे है मेरा दोस्त, नाम क्या है? दुर्गेश। एक्टर रिपोर्टर त्रिपाठी। अरे क्या बात है, चलो भाई संदीप कहाँ गया? कहते हैं क्या मतलब, अभी सूरज डूब चुके हैं और सभी लोग घर पे जा रहे हैं, फिर सुबह सुबह भोर में मतलब मॉर्निंग में 3 बजे सब लोग उठ के आ जाएंगे और इससे भी ज़्यादा क्राउड रहेगा। हाँ जी, थोड़ी देर पहले ऐसा लगा यहाँ पे अंधेरा हो चुका है सब जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, पूरी बत्ती जल चुकी है यहाँ पे, मतलब मेरी भी दिमाग की बत्ती जल चुकी है और लाइट भी जल चुका है, अभी भी क्राउड बहुत सारे हैं यहाँ पे। क्या मैं थोड़ा तो क्राउड दिखा दो यार, ये भाई हैप्पी सो हो गया, आपकी फैमिली भी आई थी आपके घर से पूरा हुआ, बहुत लेट हो गया यार, बाल तो ऐसे ही बड़े रहते यार जी, हाईफाई हो जाएगा, हाईफाई हो जाएगा। तो कुछ नहीं, जो आपने लास्ट वाला सीन देखा कि बाइक में पुलिस स्टेशन से निकाल रहा हूँ, इजीली मिल गया, अगर मुझे स्टार्टिंग में इंश्योरेंस का पेपर मिल गया तो बाइक मुझे जल्दी मिल जाता। अभी संदीप मुझे लेके आ गया मेला में, लेकिन इतना मेले में भीड़ है, इतने मेले में भीड़ है कि पूछो मत, मेरी सांस दब गई इतना भीड़ है। ज़्यादा क्राउड है, काम पे लग चुका है, लेकिन एक गलती हो चुकी है मेरे से, मैं इसका बैटरी भूल चुका हूँ, पता नहीं क्या हुआ है,
और बाकी जो भी सीन देखने वाले हो सब लेते हैं DSLR से, भाई दे रहे हैं तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। क्या करें, गोप्रो का पावर तो खत्म हो गया लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे DSLR भी है। ओके भाई सब लगे पड़े हैं वहाँ पे, संदीप भाई भी काम में लगे पड़े, उनकी मतलब उनका काम अब यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक, मतलब अभी तक आई थिंक जो चार कितना टाइम हो रहेगा, पाँच बज रहा है और अभी तक पब्लिक आ रही है। सो हाँ जी, तो यहाँ पे सब काम चालू है और भाई जो सीन है, मतलब जो नज़ारा यहाँ पे देखने मिल रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे पूरा, मतलब वहाँ आई थिंक सो 1 किलोमीटर के एरिया में पूरे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आपको दिख रहा है पीछे, और बहुत ही शानदार, मतलब दिए इतने जल रहे कि अगर ये जो बत्ती है अगर ये बंद हो जाए तो दिए से इतना रोशनी होएगा कि बत्ती नहीं पड़ेगी। सो मैं आपको आगे का सीन दिखा दूँ, ये देखिए, तो ये एरिया से लेके यहाँ से लेके पूरा 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 देखिए वहाँ तक, देखिए वहाँ तक काफ़ी दूर तक, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है और बस सब वेट कर रहे हैं कि कब सूरज देव निकलेंगे और उनका छठ पूजा यहाँ पे समाप्त होगा। देख के हंसना नहीं कि भाई ये वहाँ से क्या लगा लिया हमें, और यहाँ पे छठ पूजा मंच ख़त्म हो गया जैसे आप देखेंगे, तो सूरज देव निकल चुके हैं और यहाँ पे छठ पूजा समाप्त होगा। यहाँ पे छठ पूजा ख़त्म होते होते एंड में कुछ हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले हैं, तो एक एक का नाम हम जान लेते भाई, आप निर्मल सिंह और मिथिलेश गुप्ता, आशा पंडित, आशीष राज, इसे तो मैं जानते हैं भाई, मज़ा आ गया इस बार छठ पूजा में, मतलब ओके गाइस, तो आपने देख लिया कि भाई सूरज निकल गए हैं और यहाँ पे मैं ये व्लॉग को एंड करता हूँ। मैं सोचा कि अलग अलग बनाऊँ लेकिन सुबह शाम दोनों को एक कर दिया है मैंने, यही होता है पब्लिक ने ब्लॉगिंग करे बना तो देखो पब्लिक कैसे देखती है, देखो आपको मतलब टॉर्चर करेगी, आप अपना काम छोड़ दोगे लेकिन काम छोड़ दिया तो वहाँ पे काम खत्म। तो चलो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा, और थैंक यू सो मच संदीप वर्मा। ओके वहाँ मत देख मेरे भाई, इधर देख मेरे भाई। सो इस महीने मचाएंगे, बहुत कुछ काम चल रहा है, गोवा बहुत दूर है यार, गोवा बहुत दूर है।